अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल। बहुत ही इजी तरीके से बनाना है एंड क्विक और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, एज अ स्नैक करके भी आप खा सकते हो। तो बहुत ही इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। घर पे इजी अवेलेबल रहने वाले सब्जी के साथ में ही बनने वाला है और मसालों के साथ में। तो मैंने दिए एक शिमला मिर्च लिया है, उसको बारीक चॉप करके लिया है, और एक कैरेट। कैरेट को भी हम कद्दूकस करके ले लेंगे। दो ही ये सब्जी लगने वाली है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, पैन के अंदर हम नॉन स्टिक लिया है, तो थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करना है अपने को। और एक कटी हुई प्याज डालना है, छोटी मीडियम साइज़ की। हल्का सॉटे करके ले लेंगे, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाए और कच्ची स्मेल उसकी निकल जाए। फिर उसके बाद हम जो वेजेस कट करे थे उसमें से हम डालेंगे शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद उसको भी थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। खाते वक्त अपने को क्रंच ऐसा लगना चाहिए, इसके लिए बस तो हल्का सा ही अपने को सॉटे करना है। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, उसको भी हल्के से सॉटे करेंगे। दोनों भी वेजेस सॉटे हो गई है। उसके बाद हम ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन। चिकन के अंदर बस मैंने नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया हुआ है और उसको श्रेड करके लिया है हाथ से ही अपने, नहीं तो कुकर में डायरेक्ट डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से ऐसा कर देंगे ना तो हो जाएगा। बस उसके बाद से अपने को उसमें भी अच्छे से ये मिक्स करना है। उसके अंदर डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच। इसको हम मिक्स करके ले लेंगे थोड़ा सा। एक मिनट मसाला भुनने के बाद देखो हम इसके अंदर डालेंगे मेयोनीज। होममेड मेयोनीज है, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हूँ। मेयोनीज एक चम्मच, टोमेटो केचप दो चम्मच, और एक चम्मच शेजवान चटनी। उसको हम मिक्स करके ले लेंगे। इसको हम एक से डेढ़ मिनट तक कुक करेंगे। कुक करने के बाद गैस ऑफ करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए देखो एक बाउल में लिया है मैंने स्लरी बना के ली हूँ। इसके अंदर मैंने डाली हूँ मैदा, और मैदे के अंदर पानी मिक्स करके घोल तैयार की हूँ। इसके अंदर अभी हम दूसरे बाउल में ले लेंगे पानी, और उसके अंदर ब्रेड की स्लाइस डिप करके ले लेंगे हल्के हाथों से, और उसका पानी निचोड़ के लेंगे जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाए उस तरीके से। देन उसके बाद हम उसके साइड के कॉर्नर में डालेंगे जो चिकन का फिलिंग तैयार हो गई है वो डालेंगे और पैक करके ले लेंगे। उसके बाद हम लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके ले लेंगे। और उसके बाद आपको टाइम है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो या तो फ्राई भी कर सकते हो। इस तरीके से देखो मैंने सब करके ली हूँ रोल। इसे हम 8 से 10 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं, और जिस तरीके जो जब लगेगा तब फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली हूँ, उसके अंदर तेल गरम की हूँ मीडियम गैस पे, और उसके अंदर हम डालेंगे सब रोल। जितने आपकी स्पेस होंगे उतने डाल सकते हो, और गोल्डन फ्राई होने तक का रखेंगे। एक साइड गोल्डन फ्राई हो चुका है देखो। अब हम इसको धीरे धीरे करके पलटा के ले लेंगे, और अपने को है ना फास्ट ही गैस चलाना है, क्योंकि ब्रेड के अंदर अगर स्लो गैस रखेंगे तो तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्रेड के अंदर। इसके लिए फास्ट गैस में ही कुक करना है अब हमें। और इस तरीके से मैंने सब फ्राई करके ली हूँ। अब डिश आउट करने की बारी है। हम डिश आउट करके दिखाती हूँ और आवाज़ भी सुनाती हूँ उसका।
टोमेटो केचप या मेयोनीज के साथ में आप सर्व कर सकते हो। और कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।